हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एब्रोटीनम पढ़ेंगे। तो इसका कॉमन नेम है वो है साउथर्न वुड और इसकी फैमिली है कंपोजिट। ठीक है, इसका कंस्टिट्यूशन क्या है? इसमें सबसे पहले तो मरास्मस ऑफ चिल्ड्रन है विथ मार्क इनिशिएशन, कि जो एब्रोटीनम का जो चाइल्ड है उसमें मरास्मस होती है, इसमें डिफिशेंसी होती है चाइल्ड में, बहुत वो पतला दुबला होता है। ठीक है, उसमें डिफिशेंसी होती है प्रोटीन कैलोरीज की। ओके, और ये स्पेशली लेग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एब्रोटीनम के पेशेंट को। ठीक है, और ऐसा आयोडम सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी है। और इसमें स्किन ना फ्लेबी होता है, सॉफ्ट होता है और फैट फ्लेबी थुलथुला होता है। ठीक है, एंड हैग लूज इन अ फोल्ड, मतलब ऐसे फोल्ड स्किन में मुड़ा हुआ आता है और फ्लेबी होता है। और अगर नेक में ऐसा है तो उसमें नेट्रम्यूर और सेनिकुला चलता है। ओके, मेंटल जनरल्स में है कि जो चिल्ड्रन होगा वो इल नेचर्ड होगा, बहुत इरिटेबल होगा, रूड होगा, उदास होगा उसमें, एंड लाइक टू डू समथिंग, मतलब थोड़ा रूड, थोड़ा खड़ूस टाइप का बच्चा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट फिजिकल जनरल्स में क्या है, रेवेनियस हंगर्स होता है, उसको बहुत भूख लगता है, बहुत भूख लगने के बावजूद भी वो उसका जो उसको कमजोरी होता है वो पतला दुबला होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे ही सिम्टम्स आयोडम नेट्रम्यूर सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी है। ओके, देन नेक्स्ट है हेड में क्या है, मरास्मस है, मतलब हमने तो देखा कि एब्रोटीनम के पेशेंट को मरास्मस होता है, डिफिशेंसी होती है प्रोटीन की, जिसके से पेशेंट बहुत कमज़ोर होता है। और हेड में भी वीकनेस होता है, वो हेड को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना उसको कमजोरी होता है। और ऐसा है थूजा में भी है। फेस कैसा है, फेस ओल्ड पेल रिंकल्ड, ऐसा ओपीएम में भी, मतलब अगर चाइल्ड है तो वो उसका लुक ना थोड़ा ओल्ड पर्सन जैसा आएगा, रिंकल्ड फेस होगा। ठीक है, और जीआईटी में क्या है कि उसको अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा। ठीक है, और लेनिटेरिया होगा, मतलब उनके उसके स्टूल में अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स होगा। ओके, देन एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है कि उसके गॉट की प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, लिम्फ में दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है। ठीक है, और वो जो रूमेटिज्म होता है वो कब होता है, फॉर दी एक्सेसिव पेन बिफोर दी, मतलब उसको पैर हाथ में दर्द होगा एब्रोटीनम के पेशेंट को, स्वेलिंग सूजन होने से पहले काफ़ी दर्द होगा। ठीक है, बिफोर, ठीक है, और फिर ये रूमेटिज्म के पैर हाथ के प्रॉब्लम क्यों होते हैं, आफ्टर सप्रेस डायरिया होने के बाद, अगर सपोज डायरिया अचानक से बंद हो जाए और उसके बाद अगर